माफ़ी नहीं मांगते तो हम जगह जगह प्रदर्शन होगा पूरे बिहार के अंदर में, पूरे भारत के अंदर में। नारी मेरे घर में है, वो राज्यपाल महाराष्ट्र के, उनको घर में भी नारी है। नारी उनका घर में नहीं है, उनका क्या घर में कठपुतला है? और एक अच्छे संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरह की बात बोले, उनको बर्खास्त किया जाए और समूचा देश से वे माफी मांगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। तस्वीरें आप देख रहे होंगे, मैं ठीक पीछे तमाम माली समाज के लोग आक्रोशित होकर पटना की सड़कों पर उतर चुके हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। हम इन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरी मुद्दा क्या है और आखिर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। मुद्दा क्या? मुद्दा ये है कि महाराष्ट्र का जो राज्यपाल हैं, उन्होंने हमारे माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले के में अपमान किए हैं, अभद्र टिप्पणी किए हैं। इसके लिए हम उनसे कहते हैं कि आप पूरे नारी भारत के नारी समाज से माफ़ी मांगे। माफ़ी नहीं मांगते तो? माफ़ी नहीं मांगते तो हम जगह जगह प्रदर्शन होगा पूरे बिहार के अंदर में, पूरे भारत के अंदर में। अच्छा, बोल रहे हैं कि अगर अपमान का बदला नहीं मिलेगा तो सेकुरा में कल भी प्रोटेस्ट होने जा रहा है, इसी तरह इससे जोरदार करेंगे। मुजफ्फरपुर में भी होगा, क्योंकि क्योंकि भारतीय जन परिवार पार्टी एक नया पार्टी है, सभी जाति धर्म सभी का पार्टी है। और पार्टी की बात क्यों सड़कों पर क्यों उतरे? नहीं, सड़कों पर इसीलिए उतरे हैं कि वह नारी को अपमान किए हैं, नारी से वह क्षमा मांगे। क्या उनको घर में नारी नहीं है? नारी सबों का घर में है, इसीलिए वह नारी से क्षमा मांगेंगे तब जाकर उनका कल्याण करेंगे। अंदर जगह जगह ऐसे पुतला जला कर नाराबाजी करते रहेंगे, पूरे बिहार में करेंगे। माफी नहीं मांगेंगे तो इसी तरह? हाँ, इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे, पूरा बिहार में हम लोग करेंगे, जगह जगह पर करेंगे, पुतला प्रशासन तो फिर कार्रवाई करेगी। तो पुलिस प्रशासन, तो पुलिस प्रशासन के बीच भी तो नारी होगी ना, नारी तो सबके, नारी आपको भी घर में है, नारी मेरे घर में है, वो राज्यपाल महाराष्ट्र के, उनको घर में भी नारी है। नारी उनका घर में नहीं है, उनका क्या घर में कठपुतला है? कैसे देखते हैं चाचा, आप पटना की सड़क पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं? जी सर, नारी अपमान के लिए हम लोग विरोध में हैं, इसके लिए टीचर हो, नारी से माफी मांगेंगे। ये अपमान किए हैं जो भारत को शिक्षा को जगाने वाला प्रथम महिला है, जो एक संवैधानिक पद पर रह करके के अभद्र बात बोलना, ये कितना बुरा बात है। ये आज उनको नहीं, सारा संसार को, संसार की नारी थी और भारत की प्रथम शिक्षिका थी, जिसको अपमानजनक बात उन्होंने बोला, जो नारी कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करने लायक है। और एक अच्छे संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरह की बात बोले, उनको बर्खास्त किया जाए और समूचा देश से वे माफी मांगे, यही हमारे लोगों को मांग है। तभी हमारा नारी का इज्जत बच पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। ऐसे ऐसे पद पर रह करके ऐसी ऐसी बात बोले, कितना गंदा बात है। इसलिए जो महात्मा ज्योतिराव फूले, जिस समय कठोर दंड दिया जाता था पढ़ने लिखने के लिए, जिसने नारी को बढ़ाने के लिए आगे बढ़े, जिसके साथ ऐसा अपमान किया जाता है, और क्या बच जाता है। इसलिए माली समाज को बिहार में सम्मान मिल रहा है, माली समाज को तो मिल ही रहा है, लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति महाराज को, वो नारी को सम्मान नहीं कर रहे हैं। भैया, उनको घर में नारी नहीं है क्या? उनका घर में केवल कठपुतला है क्या? नारी से ही आपका जन्म हुआ है, नारी से हम का जन्म हुआ है, नारी को प्रधानमंत्री का जन्म हुआ है, नारी को अपमान क्यों किया? इसीलिए हम लोग करते रहेंगे और करेंगे जब तक कि वह नारी से क्षमा नहीं मांगे। कर रहे हैं हम प्रधानमंत्री जी से भी क्षमा, मतलब की मांग रहे हैं कि जो कम से कम नारी के लिए आप कुछ भी कीजिए, नारी के वह मतलब कि अथि किए हैं, इसीलिए नारी के लिए तो हर चीज़ करना पड़ेगा। हर इंसान को पास नारी है, किसको, किस जाति में नारी नहीं है? जाति को लेकर के ऐसा क्यों किए हैं? जातियों लेकर के ऐसा किए हैं, लेकिन नारी सबका है। उनका भी महाराष्ट्र को जो राज्यपाल हैं, उनको पास भी मतलब कि नारी है, उनका पास भी माँ बहन है। दूसरे को माँ बहन को इज्जत जो करना नहीं चाहता है, वो किसी को इज्जत नहीं करेगा। क्या मांग करेंगे? सुना, तमाम माली समाज के लोग पटना के सड़कों पर उतर चुके हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहे, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।